हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ओले डे क्रीम का अनबॉक्सिंग एंड ऑनेस्ट रिव्यू। और मैं इसको आपको यूज करके ही आपके लिए सही है या नहीं सही है ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन परचेस किया है ओले टोटल इफ़ेक्ट 7-in-1 डे क्रीम जेंटल SPF 15 और 50 ग्राम है। और इसमें एक्चुअली क्वालिटी ये है कि इसमें SPF भी है। तो ये एक्चुअली ये क्रीम आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको इस साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें बोला गया है कि 7 in 1 7 स्किन बेनिफिट्स इन 1। तो क्या ये 7 में वर्क करती है कि नहीं करती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला है जैसे कि फाइन लाइन एंड रिंकल्स। तो एक्चुअली फाइन लाइन्स में काम करती है, बट अगर बहुत डार्क फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स हैं तो तब इतना वर्क नहीं करती है, बट हल्के फुल्के हैं तो आपको वर्क करती है। दूसरा कह रहा है कि स्किन टू मेंटेन इट इज़ मॉइस्चराइजर। तो हाँ, मॉइस्चराइजर का काम बहुत ही अच्छे से करती है। आप फेस वॉश करिए, इसके बाद टोनर यूज करने के बाद एज अ क्रीम, डे क्रीम और या एज अ मॉइस्चराइजर, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ डे क्रीम भी यूज कर सकते हैं। बस एक्चुअली है डे क्रीम, बट एज अ मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा वर्क करती है। मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेटिंग का काम बहुत ही अच्छे से वर्क कर को इक्वल मतलब करती है। तो हाँ, अगर आपके पैचेस हैं, जैसे कहीं पैचेस हैं और कहीं पैचेस नहीं है, तो उसको टोन को मतलब इक्वल करती है। इसके बाद कह रहा है कि मिनिमाइजेस लुक्स ऑफ पोर्स। तो पोर्स का तो एक्चुअली मैं नहीं बता सकती हूँ, बट कि वर्क करती है कि नहीं करती है। और इसके बाद कह रहा है कि स्किन टेक्सचर का, तो हाँ इवन करती है स्किन टेक्सचर बहुत ही अच्छे से। और इसके बाद ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस में ये वर्क करती है, आप इसे बेझिझक ले सकते हैं, ब्राइटनेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके बाद हाइड्रेट का है, तो हाँ ये एक्चुअली हाइड्रेट्स में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये क्रीम 5 में तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अब बस ये पोर्स और आपके डार्क रिंकल्स वगैरह हैं तो इतना वर्क नहीं करती है, बट हाँ मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि 7 में से अगर 5 में अच्छा खासा आपका वर्क करती है तो बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो मैं आप ही के सामने इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो देख सकते हैं हमने अभी जस्ट निकाला है। जैसे कवर में इमेज दी गई है ओले की, तो जस्ट वैसे ही बॉटल फॉर्म में ये ओले प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। तो ये नॉर्मल या ऑयली स्किन में वर्क करती है, लेकिन नॉर्मल स्किन में एक्चुअली स्पेशली वर्क करती है और ट्रेवल फ्रेंडली है, बॉटल फॉर्म में मिल जाती है। और ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग स्किन में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, एक एज है, आप 20+ के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको शूट करती है ये क्रीम तो आप इसे रेगुलर यूज करेंगे, तो रेगुलर यूज में फिर इसके बेनिफिट्स अलग ही रहते हैं। तो हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजर और ब्राइटनेस में बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्टिव है ये क्रीम। और इसके बाद अगर आपकी एक्ने प्रोन्स या बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, तब इतना खास इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट हाँ अगर हल्के फुल्के एक्ने वगैरह हैं तो ये क्रीम वर्क करती है। ये सब चीज़ें रखकर प्रोडक्ट को परचेस करें, ये प्रोडक्ट सूट करें तो इसे बाय करें और कंटिन्यू करें, तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी मिलेंगे आपको। हाँ, और ये जो तो ये जो क्रीम है, इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी फॉर्म टेक्सचर है, और ये रनिंग में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और काफ़ी डीपली मर्ज हो जाता है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट भी रखता है। और इसके साथ SPF कंटेंट होने की वजह से ये सन प्रोटेक्शन का भी प्रोवाइड करता है। और एज 20+ के बाद मैं जैसे बता चुकी हूँ कि स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छी वर्क करती है। अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप के पहले आप इस क्रीम को यूज़ करें, और इसके बाद आप मेकअप करें तो इसका जो ब्राइटनेस होगी वो और इन्हेंस करके आपको देगा। तो इस क्रीम को आप बाय कर सकते हैं, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस क्रीम को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको इफ़ेक्ट करती है तो आगे कंटिन्यू करिए,
नहीं तो फिर मत करिए। और इसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है ये। तो ओले टोटल इफेक्टिव 7-in-1 क्रीम, डे क्रीम मॉइस्चराइजर को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर परचेस करिए। ऑनलाइन अगर परचेस करना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक